चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक को लिए हुए हैं। इतिहास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मराठा साम्राज्य के बारे में। अब हम बात करते हैं सिख के बारे में। सिख, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। गुरु नानक ने लंगर प्रारंभ किया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने लंगर प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। कैसे पूछा जा सकता है? सबसे पहले पूछे जाए जा सकता है आपसे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक बता देना है। लंगर किसने प्रारंभ किया था? गुरु नानक ने लंगर प्रारंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो याद रखना, गुरु अंगद ने। सिख धर्म प्रारंभ में सिर्फ धार्मिक एवं सुधारवादी विचारों के कारण जाना जाता था। कालांतर में इसमें एक लड़ाकू जाति के रूप में भी ख्याति प्राप्त की है। सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें आपके शामिल थे गुरु नानक, गुरु अंगद, फिर आपके गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरि किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये आपके सिख धर्म के 10 गुरु थे। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। किन्हें? गुरु रामदास जी को। इसी भूमि पर अमृतसर शहर बना हुआ है आपका। पहले इसका नाम रामदासपुर रखा गया था। अमृतसर का पहले नाम क्या था? रामदासपुर। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की मदद की थी, इसलिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म ना अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटकाया था। गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म ना अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटकाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। एक नई धर्म की विधि पाहुल को सन्निविष्ट किया। तीर्थ व्रत उपवास मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आडंबरों को गलत माना इन्होंने। तो आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित हैं, जिनकी संख्या 5 से 8 हज़ार मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने कर दी थी। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुमुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। ठीक है, ये था आपका सिख धर्म। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध। जो प्राचीन और मध्यकाल में जो आपके युद्ध हुए हैं भारत के, उनके बारे में हम लोग देखेंगे।